अब बड़ी खबर, चिकित्सा शिक्षा विभाग से ये बड़ी खबर। दो सरकारी मेडिकल कॉलेजों को नियमित प्रचारण मिलेंगे, एसएमएस मेडिकल कॉलेज और साथ ही डॉक्टर सर्वानंद मेडिकल कॉलेज को नियमित प्रचारण मिलेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से प्राचार्य पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग से ये बड़ी खबर, दो सरकारी मेडिकल कॉलेजों को नियमित प्राचार्य मिलेंगे, एसएमएस मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर सर्वानंद मेडिकल कॉलेज को नियमित प्राचार्य मिलेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर, दो सरकारी मेडिकल कॉलेजों को नियमित प्राचार्य मिलेंगे, एसएमएस मेडिकल कॉलेज और साथ ही डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज को नियमित प्राचार्य मिलेंगे। ये बड़ी अपडेट, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्राचार्य पद के लिए आवेदन मांग लिए हैं। दो सरकारी मेडिकल कॉलेजों को नियमित प्राचार्य मिलेंगे, जिनमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज का नाम है, साथ ही डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज को भी नियमित प्राचार्य मिलेगा। इसके लिए चिकित्सा विभाग की ओर से आवेदन मांगे गए। चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ी यह खबर, अधिक जानकारी के लिए सहयोगी लोकेश ओला फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या अपडेट? मेडिकल कॉलेजों के अंदर जो नियमित प्राचार्य नहीं थे और प्राचार्य रिक्त पद चल रहे थे, वहाँ पर अब प्राचार्य और साथ ही 6 मेडिकल कॉलेजों के करीब 30 अस्पतालों के जो अधीक्षक पद रिक्त चल रहे हैं, वहाँ के लिए नियमित अधीक्षक लगाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से 30 जून तक आवेदन प्राप्त करने के लिए जो सूचना है वो जारी की गई है, जिसके अनुसार एसएमएस मेडिकल कॉलेज और साथ ही जोधपुर के संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज को नियमित प्राचार्य देने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा 6 मेडिकल कॉलेज, जिसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज के भी एसएमएस अस्पताल सहित अन्य जो अस्पताल है उनके लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। तो ऐसे में एसएमएस मेडिकल कॉलेज को जो अभी अतिरिक्त जो कार्य प्रभार जिनको दिया गया है डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, उनकी जगह अब नियमित प्राचार्य को नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा एसएमएस अस्पताल के भी अधीक्षक अब नियमित अस्पताल का अधीक्षक मिल पाएगा। तो ऐसे में एसएमएस मेडिकल कॉलेज सहित जोधपुर मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा 6 अन्य मेडिकल कॉलेजों के संबंधित जो 30 अस्पताल है उनके लिए आवेदन मांगे गए हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से, ताकि नियमित अधीक्षक और साथ ही प्रिंसिपल उन कॉलेजों में नियुक्त किया जाए। जी लोकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी, कब तक ये आवेदन करने होंगे? देखिए, 30 जून तक का आवेदन करने का समय मांगा गया है। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से चिकित्सा विभाग, ACS और अन्य जो विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी के अंदर जो बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो इंटरव्यू लेकर इन मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य और अधीक्षक की नियुक्ति करेगा, और मेडिकल बोर्ड में इंटरव्यू के बाद ही नियमित अधीक्षक और प्राचार्य इन मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को दिए जाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दो सरकारी मेडिकल कॉलेजों को नियमित प्रचार मिलेंगे और इसके लिए आवेदन भी मांग लिए गए हैं। तारीख 30 जून तक की तय की गई है।